आम की बागों में बहुत से किसान ऐसे हैं जो केवल फलत जब होती है, बौर आता है, उस टाइम से लगा करके आम तोड़ने तक ही ध्यान देते हैं, उसके बाद ध्यान नहीं देते हैं। जबकि उसके बाद भी बहुत से ऐसे काम हैं जो बाग में करना ज़रूरी है। फिर चाहे नई बाग हो, पुरानी बाग हो, छोटी बाग हो, बड़ी बाग हो, पौधे छोटे आपके बाग में हों या बड़े हों, समय कुछ ऐसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करना ही चाहिए, और अगर करते हो तो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलता है। तो ये कौन से काम हैं, कैसे हम आम के बाग की देखभाल करें, चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। देखिए, कोई भी बाग हो, चाहे आम का हो चाहे दूसरा हो, उसमें जो महत्वपूर्ण काम है वो ज़रूर करना है। अगर आप काम नहीं, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो, उन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हो, तो धीरे धीरे बाग में उत्पादन कम होता चला जाता है और पौधे भी कमज़ोर सूखने चालू हो जाते हैं, फलत कम होती है और नुकसान होना चालू हो जाता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण काम है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। पहला काम तो है सिंचाई, क्योंकि सिंचाई बहुत से भाई क्या करते हैं कि जब आम का बौर आता है उसके पहले सिंचाई कर देते हैं, बाद में जब आम बड़े होने चालू हो जाते हैं उस टाइम पर ध्यान रखते हैं, उस टाइम पर सिंचाई करते हैं और बाद में सिंचाई आदि पर ध्यान नहीं देते, जिससे पौधे इतने अच्छे से विकसित नहीं हो पाते हैं, पौधे में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, पौधे अच्छी नमी ना पाने के कारण जो है कमज़ोर रह जाते हैं और कई तरीके की समस्या उसमें देखने को मिलती है। तो इसलिए आपको सिंचाई समय समय पर करना है। सिंचाई के मामले में देखो, बहुत अधिक सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है, और सिंचाई अगर आप थोड़ा कम करना चाहते हो, पानी की समस्या रहती है, तो उसका भी आप अपने बागों में उपाय कर सकते हो। तो सिंचाई तो आपको कम करनी पड़ेगी और बहुत से बेनिफिट आपको उसके मिलने वाले हैं। दूसरा काम है खाद। खाद की ज़रूरत सभी पौधों को पड़ती है, तो जाहिर सी बात है आम का बाग है तो आम में भी पड़ेगी। अब खाद जब आप डालना चाहते हो तो पहले जुताई करवा दो, जुताई करवाने के बाद आप खाद डाल दो, और खाद डालने के बाद फिर आप सिंचाई कर दो। तो खाद आपको दो तरह की डालनी है, एक तो कंपोस्ट खाद आपको पौधों के पास डालनी है, और दूसरी जो रासायनिक खादें होती उनको भी डालना ज़रूरी है, जिससे पोषक तत्व पौधे को आसानी से मिल पाए। बहुत से भाई क्या करते हैं जो बागवानी करते हैं, या तो कंपोस्ट खाद नहीं डालते हैं और रासायनिक खाद सोचते हैं बढ़ा कर डाल देंगे, तो बहुत से भाई रासायनिक खाद नहीं डालते हैं, सोचते हैं कंपोस्ट खाद डाल देंगे, या पौधे की पत्तियां आदि जो सड़ करके मिक्स होती हैं उनसे ही खाद पूरी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, यदि अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको अच्छी तरीके से कंपोस्ट खाद भी डालनी पड़ेगी और रासायनिक खादों को भी डालने पड़ेंगे, और जो खाद में पोषक तत्व होते हैं उनकी अगर कमी है तो उसको भी पूरा करना पड़ेगा। फिर चाहे स्प्रे करके पूरा करो या मिट्टी में दे करके पूरा करो। तो ये काम आपको समय समय पर ज़रूर करना है। इसके बाद आता है जुताई। अब जुताई जो होती है वो आपको सही टाइम पर करना है। अब ये तो नहीं है कि जब चाहो तब जुताई कर दो, तो उससे नहीं फायदा मिलने वाला है। जुताई एक अच्छे टाइम को देखकर करना है। जैसे जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम पर, लगातार बारिश होती है, बागों में खरपतवार काफ़ी ज़्यादा उग जाते हैं, और उस टाइम पर अगर आप गीली मिट्टी में जुताई कर दोगे तो इतना अच्छा फायदा नहीं होगा, और गीली मिट्टी में जुताई करने से भी नुकसान होता है। तो इसलिए जब बारिश चली जाए, खासतौर से अक्टूबर महीना जो होता है या नवंबर महीना जो होता है, इस टाइम पर आपको अपने बागों की जुताई कर देनी चाहिए। जुताई बहुत गहरी नहीं करनी है, बस 5 से 6 इंच तक जो है खेत में जुताई होना चाहिए। मिट्टी पलटनी चाहिए, और मिट्टी पलटनी चाहिए तो हैरो से जुताई करनी है। अब रोटावेटर से बहुत से भाई जुताई करते हैं, तो रोटावेटर से जुताई करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें जड़ कटने के चांस ज़्यादा होते हैं, मिट्टी नीचे की टाइट रह जाएगी। जबकि यदि आप हैरो से जुताई करोगे तो हैरो से मिट्टी फटती है और मिट्टी भी महीन हो जाती है। इतनी जुताई कर दो कि महीन हो जाए, बहुत गहरी जुताई करने की ज़रूरत नहीं है, और पौधों के आसपास आप छोड़ सकते हो, बाद में कुदाल आज से गुड़ाई कर सकते हो, संभव हो तो वहाँ से भी जुताई कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर बहुत हल्की जुताई करना है, जिससे जड़ ना कटे। जड़ कट जाएगी तो नुकसान होगा। आप जुताई करने के फायदे क्या होते हैं, देखो, जब आप जुताई करोगे तो ऊपर की जो मिट्टी टाइट हो जाती है, मिट्टी ढीली हो जाएगी, जो वायु संचार है वो अच्छे से होगा, और जो पौधों की जड़ है वो अच्छे से विकसित होगी, नई नई जड़ निकलना चालू होगी, और जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व हैं वो पौधे को आसानी से मिलना चालू हो जाएंगे। इसके बाद आपको जब आवश्यकता पड़े तब आप सिंचाई कर दो। तो जुताई करने के बाद आपको कंपोस्ट खाद, रासायनिक खाद, ये सब मिला करके डालना है। PGR भी अगर छोटे पौधे हैं तो डाल सकते हो,
उसके बाद आपको सिंचाई कर देना, जिससे ये खादें आसानी से पौधे को अच्छे तरीके से मिल पाएँ। उसके बाद जो है आपको खेत को छोड़ देना है बाग को, और जब आवश्यकता फिर से लगे तब फिर से आप जो है हल्की हल्की सिंचाई करते रहें। अब सिंचाई अगर आप इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते हो, सोचते हो बार बार सिंचाई करने की आवश्यकता ना पड़े, तो इसके लिए एक अच्छा सा उपाय है कि आप अपने खेत की जुताई करने के बाद खाद उर्वरक और सिंचाई पहले कर दो, उसके बाद मल्चिंग कर दो। मल्चिंग में पत्ती ले सकते हो कोई भी, या पुआल ले सकते हो, जो भी आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो, आपके पास उपलब्ध हो, उसको आप अपनी बाग में अच्छी तरीके से बिछा दीजिए, जिससे होगा क्या कि जो नमी है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक बनी रहेगी और नीचे की जो मिट्टी है वो टाइट नहीं होगी। जब मल्चिंग कर दोगे तो मिट्टी टाइट नहीं होगी, तो मिट्टी मुलायम रहेगी, जिससे पोषक तत्व तो और अच्छे तरीके से मिलेंगे, और मिट्टी मुलायम रहेगी तो जड़ काफ़ी अच्छे से विकसित होगी और जो पोषक तत्व हैं जड़ आसानी से लेना चालू कर देगी और वायु संचार अच्छे से होगा और जो खरपतवार हैं खरपतवार भी नहीं उगेंगे। तो मल्चिंग करने का एक ये फ़ायदा है, तो मल्चिंग आपको ज़रूर करना चाहिए। और दूसरा फायदा है कि जब मल्चिंग जितनी पुरानी होती चली जाएगी, धीरे धीरे वो खाद में बदल जाएगी, तो अगली बार आपके पास यदि कंपोस्ट नहीं है तो वो भी खाद आपके बाग में पूरी हो जाएगी, पौधों को मिल जाएगी। तो मल्चिंग करने के बहुत से फायदे हैं और धूप आदि का सीधा असर जो है मिट्टी पर नहीं पड़ता है, जिससे मिट्टी टाइट भी नहीं होती है। इसके बाद एक समस्या आती है रोग कीट की। अब रोग कीट से बचाव आपको समय समय पर देखभाल करना चाहिए, और इस टाइम पर जो अक्टूबर नवंबर महीना रहता है, इस टाइम पर अगर आपके बाग पुराने हैं तो पुराने बागों में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे पौधे में बांदा लग जाता है या कुछ फंगस लग जाती है या कुछ ऐसे रोग बीमारी लगते हैं जिससे पौधा सूखने चालू हो जाते हैं, टहनियाँ ख़राब होने चली हो जाती, कई तरह की समस्याएँ या फंगस आदि लगना चालू होती है, तो उनको आप पौधे की कटाई छटाई कर दीजिए और अच्छी तरीके से कटाई छटाई कर दो, पौधे एक दूसरे से जुड़े ना। और उसके बाद आपको एक काम और करना है कि उस पर दवा आदि छिड़काव कर दो, और नीचे चूना और कापर ऑक्सी क्लोराइड इसको मिला करके और नीचे से पुताई भी कर सकते हो। इससे फ़ायदा होगा, जो मिट्टी में कीट हैं वो पौधे तक नहीं पहुँचेंगे, पौधे में बहुत से रोग बीमारी लगने से आपके पौधे बच जाएंगे। एक समस्या इस टाइम पर जब बारिश खत्म होती है तो उसके बाद देखने को मिलती है दीमक। दीमक से बचाव करना ज़रूरी है, नहीं तो पौधे को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब दीमक जो होती है, अगर आपके बाग में मिट्टी में है तो बाग में ज़्यादातर दीमक होती है, तो आप क्लोरोपाइरीफास जब सिंचाई कर रहे हो तो उस टाइम पर आप 1 लीटर प्रति एकड़ चला सकते हो, और उसके बाद आप देखो अगर पौधे पे लगी हुई है तो उसकी भी रोकथाम के उपाय करने चाहिए। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो देख सकते हो कि इस पौधे में नीचे से दीमक ऊपर पौधे में फैलती चली गई है। अब ये करिए क्या कि जो सूखे भाग होता है, जो सूखा ऊपर का होता है तने के ऊपर, उसको ये सूखी चीज़ों को खाती है, हालाँकि जिंदा चीज़ को नहीं खाती है, जैसे मिट्टी के हरे भाग को नहीं खाती है, तो सूखे को खाएगी, लेकिन वहाँ पर जब सूखेपन को खा जाएगी तो उसमें कई तरह के समस्याएं आती हैं, और कभी कभी पौधे तक अच्छी तरीके से जो उर्वरकों का संचार है, जो पानी का संचार है, सही से नहीं होगा, क्योंकि दीमक जहाँ पर काटेगी खाएगी उसके बाद अगला भाग सूखना चालू होगा, तो इससे पौधे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और कभी कभी ये दीमक ऊपर तक फैल जाती है, जिससे जो है पौधा सूखने का खतरा रहता है, नुकसान होता है। तो इसलिए दीमक से बचाव करना है, और जैसे जो रोगग्रस्त पौधे हैं उनकी कटाई छटाई कर दो और रोगग्रस्त टहनियों को निकाल दीजिए। अगर पूरा का पूरा पौधा रोगग्रस्त हो चुका है, सूखने की स्थिति में है, तो उसको भी आप निकाल करके बाहर कर सकते हो। तो इस तरीके की जो समस्या है उसको आप ज़रूर बचाने के उपाय करो, जिससे आपके बाग में नुकसान नहीं होगा। और अगर आप कटाई छटाई कर देते हो तो नई शाखाएं जो निकलती हैं वो 1 साल के बाद अगले साल जो है उसमें अच्छी तरीके से बौर आता है और उत्पादन भी बढ़ जाता है। फिर आप सोचते हो कि अगर आपके खेत में छोटे पौधे हैं तो छोटे हों या बड़े हों, जैसे यहाँ पर हम दीमक की बात कर रहे थे, देखो इस पौधे पर दीमक पूरी नीचे से ऊपर तक फैल गई है, और ये जो है ऊपर का सूखा हुआ भाग खाती है, जिससे नीचे जो हरा भाग बचता है उसके बाद उसको भी जब सूखता है तो खाना चालू कर देती है, और धीरे धीरे पूरे ऊपर के तक पौधे पर फैल जाती है, और ज़रा सा ध्यान नहीं देते हो तो पूरे पौधे को ये ख़राब कर देती दीमक। तो इसलिए अगर के आपके पेड़ में लगी हुई है कहीं दवा, उसको पहले साफ कर देना चाहिए जिससे नीचे आ जाए, फिर दवा का स्प्रे कर देना चाहिए, और कापर ऑक्सी क्लोराइड और
चूना जो है उसको मिला करके और पुताई आप जरूर कर दें, और पॉलीथीन संभव हो तो नीचे से बांध दें जिससे कीट ऊपर तक ना जाएं। बहुत से कीट ऐसे होते हैं जो ऊपर अपना घर बना लेते हैं, पौधों पर घर बना लेते हैं, तो उनको भी साफ करना है, कीटनाशक आदि का स्प्रे कर देना है, जिससे जो है आपके पौधों में इस तरीके की समस्या नहीं आएगी, कोई रोग बीमारी नहीं लगेगी, पौधा एकदम स्वस्थ चलेगा तो फलत भी ज़्यादा मिलेगी। बाकी जो चीज़ें मैंने बताई है उन कामों को आपको कर लेना है। और एक सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार की, तो इस टाइम पर अगर आप जुताई करते हो तो खरपतवार उसमें मिक्स हो जाएंगे, बाद में मल्चिंग करते हो, मल्चिंग करने के बाद भी अगर खरपतवार बाग में दिखाई पड़ते हैं तो आपको दवाओं को स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे जो खरपतवार भी उगने से बच जाएंगे। बाकी यदि आप बागवानी की प्रॉपर टोटल जानकारी चाहते हो, कौन सी खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें, कौन से ग्रोथ प्रमोटर डालें, कब कौन सी दवा का स्प्रे करना है, कितनी मात्रा में कैसे क्या करना है, कटाई छटाई आपको कैसे क्या करना है, टोटल जानकारी चाहते हो तो दोस्तों मेरा एक PDF बहुत सस्ता है, 50 रुपये का आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक व्हाट्सएप का दे दूंगा, वहां से जा करके और आप संपर्क कर सकते हो, आपको PDF मिल जाएगी, 50 रुपये चार्ज पे करके आप PDF खरीद सकते हो। तो बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।